बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत से अगर कोई पंगा लेता है तो ना सिर्फ वो बल्कि उनके फैंस भी हेटर्स की क्लास लगा देते हैं। और अब एक्ट्रेस से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर कंगना के फैंस के निशाने पर आ गई हैं। वो जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। कंगना का मजाक उड़ाना उनके फैंस को इस कदर नागवार गुजरा है कि उन्होंने उर्मिला से सीधा सीधा कह दिया है कि तुम कंगना से डरती हो, वरना अपने ट्वीट में उनका नाम मेंशन जरूर करती। एक यूजर ने उर्मिला की आलोचना करते हुए लिखा, हिम्मत होती तो ट्वीट में कंगना जरूर मेंशन करती, हमें ये डर पसंद है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, यू आर ट्राइंग हार्ड टू गेट 2 मिनट्स पब्लिसिटी इन द नेम ऑफ कंगना। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, मेंशन नहीं किया, डर अच्छा है और कंगना बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तुम लोग सबकी दुकान बंद है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, कौन बोली देखो कौन बोली। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि उर्मिला ने कंगना पर तंज तो कस दिया लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। अब चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, आखिर क्यों कंगना के फैंस उर्मिला को लताड़ लगा रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ जुबानी भिड़ंत के दौरान मुंबई को पाकिस्तान बता चुकी कंगना रनौत एक बार फिर से माया नगरी में वापस आई है। हाल ही में वो मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची थी और भगवान का आशीर्वाद लिया। कंगना ने इसको लेकर ट्वीट किया था, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए मुझे जितना विरोध का सामना करना पड़ा उसने मुझे हैरान कर दिया। आज मैं मुंबा देवी और श्री सिद्धि विनायक जी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। अब मैं सुरक्षित, प्रेम से भरपूर और पुनः स्वागत किए जाने जैसा महसूस कर रही हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस ट्वीट के बाद उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर तंज कसते हुए मराठी में ट्वीट किया था और लिखा था, अपने प्यारे शहर मुंबई के लिए खड़ी होने के लिए, बहन क्या हाल ही में सिर के बल गिरी थी। अब उर्मिला अपने इसी ट्वीट को लेकर फंस गई हैं और कंगना से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया है। बताते चले कि सितंबर में कंगना और उर्मिला की जबरदस्त जुबानी जंग हुई थी जब उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान से कर डाली थी। उर्मिला ने कंगना को मुंबई को लेकर किए गए उनके कमेंट और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल किए जाने की बात पर जमकर लताड़ लगाई थी। वहीं कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया था। ये विवाद काफी दिनों तक चला था। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि उर्मिला के ट्वीट का कंगना कैसे जवाब देती हैं। वैसे इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।